चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए उसको उनकी बहुत देखभाल करनी होती थी। टूनी चिड़िया के ही सामने वाले पेड़ पर एक गौरी कौवे भी रहती थी। वह भी अपने बेटे कालू के साथ रहती थी। गौरी कौवे का बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था, जो टूनी चिड़िया की गैरहाजिरी में उनके बच्चों को तंग करता रहता था। अरे बच्चों, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो और ये हमारा घोंसला इतना बिखरा हुआ क्यों है? माँ, गौरी आंटी के बेटे ने हमें फिर से तंग किया है और आज तो उसने हमें मारा भी। टूनी चिड़िया इसकी शिकायत गौरी कौवी से कर देती है। बेटा, तुम टूनी आंटी के बच्चों को क्यों मार के आए हो और उनका घोंसला भी बिखेर दिया है? माँ, मैं क्या करूँ, मैं उन्हें मारने नहीं उनके साथ खेलने गया था, लेकिन वह मेरे साथ नहीं खेलना चाहते थे। बेटा, आपको मेरे बच्चों के साथ खेलना है तो चलो मेरे साथ मेरे घोंसले में। टूनी चिड़िया कालू कौवे को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। अब कालू और टूनी चिड़िया के बच्चे एक साथ खेलने लगते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, तभी एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। जंगल में मूसलाधार बारिश और तूफान होने लगा था। सारे पक्षियों के घोंसले उड़कर टूट चुके थे। अब टूनी चिड़िया जब अपने घोंसले की तरफ आती है, उनका घोंसला भी उड़ चुका था, तभी वह सामने वाले पेड़ पर देखती है तो कालू कौवा रो रहा था। तब वह कालू कौवे के पास आती है। क्या हुआ बेटे, गौरी बहन कहाँ है? पता नहीं माँ, सुबह से मेरी माँ नहीं मिल रही है। मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाती हूँ। देखती है कि उसके बच्चे और गौरी वहीं पर मरी पड़ी थी। अब टूनी चिड़िया रोने लगती है। हाय मेरे बच्चे, अब मैं बेचारे कालू कौवे को क्या जवाब दूंगी? टूनी चिड़िया वापस से कालू कौवे के पास चली जाती है। आंटी, क्या हुआ, क्या मेरी माँ का पता लगा? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ कुछ ही देर में आ जाएंगी, जब तक तुम मेरे साथ रहो। सुबह हो जाती है और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने लिए घोंसला बना रही थी, तभी कालू कौवा अचानक से उसमें से गिर जाता है। अरे बेटा, तुम अचानक से ऐसे गिर गए हो? माँ, जब बारिश और तूफान आ रहा था तभी मेरे पैर पर बहुत चोट आई थी, अब मुझे इस पैर में बहुत दर्द हो रहा है। टूनी चिड़िया उल्लू बैद जी को लेके आती है। तब उल्लू बैद जी उसे दवा देते हैं और कहते हैं इसका बहुत तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके पैर में बहुत गहरी चोट है। अब तो टूनी चिड़िया कालू कौवे का बहुत ध्यान रखती और उसे एक माँ की तरह ही प्यार करती। तभी एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के साथ जंगल की ओर जा रही थी, तभी उसकी सहेली टूनी चिड़िया भी मिलती है। अरे बहन, ये कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारे तो दो बच्चे थे। हाँ बहन, पर इस आंधी और तूफान में मेरे बच्चे मर चुके हैं। ये तो किसी कौवे का बच्चा लगता है। हाँ बहन, ये कौवे का बच्चा ही है, पर यह मेरा ही बच्चा है। तो क्या हुआ, मैंने इसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और अब मैं ही इसकी माँ हूँ और इसे अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूंगी। इस तरह वह कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी एक टुनटुनी चिड़िया की है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। एक दिन टुनटुनी की माँ टूनी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया, ओह पापा, मैं तो अकेली रह गई, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ आ जाओ ना। पक्कर बेटा, मैं हूँ ना, तेरे पापा और मम्मी मैं दोनों का प्यार दूंगा। जब बंटी कबूतर अपने काम पर जाता है तो उसे उसका दोस्त मिलता है। तब उसे वहाँ बताता है, मैं क्या करूँ तोते भाई, मेरी बेटी टुनटुनी ने तो खाना पीना सब छोड़ दिया है। अरे भाई, मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो, जब दूसरी माँ आएगी तो उसे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। ऐसा सुनकर बंटी कबूतर दूसरी चिड़िया से शादी कर लेता है। अब टुनटुनी चिड़िया उसे अपनी माँ की तरह प्यार करने लगती है। दूसरे दिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी पिंकी चिड़िया को पैसे देता है। ये लो पिंकी, है सारे पैसे मेरी बिटिया टुनटुनी की स्कूल की फीस भरने के लिए है, लो इन्हें संभाल कर रख दो। मेरी मानो तो उसे ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं और घर का काम करने दो।
तुम इन पैसों को संभाल कर रख दो, ये पैसे मुझे सुबह चाहिए। ठीक है जी, आपको जो करना है वो आप करें और मुझे जो करना होगा वह मैं करूँगी। दूसरे दिन पिंकू चिड़िया अपने सहेलियों को बुलाकर सारे पैसों की शॉपिंग करके घर आ जाती है। इसके बाद बंटी कबूतर जब पिंकी चिड़िया से पैसे मांगता है, पिंकी चिड़िया वह सारे रुपए मुझे दे दो। वह पैसे तो खर्च हो गए जी। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थी। माँ आप कहाँ चली गई? ये नई माँ मुझे बहुत मारती है और मुझे जरा भी प्यार नहीं करती है। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। अरे बेटी क्या हुआ है? पापा मुझे यहाँ घर नहीं रहना है, मैं अपनी माँ के पास ही जाना चाहती हूँ। नहीं मेरी टुनटुनी बिटिया, तू ऐसा मत बोल। तभी वहाँ पर पिंकी चिड़िया आ जाती है और कहती है, अच्छा तो बाप से चुगली हो रही है, कर ले अपने बाप से मेरी चुगली, अभी बताती हूँ तुझे, और एक डंडा लेकर उसको मारने लगती है। नहीं माँ मुझे दर्द होता है, मुझे मत मारो माँ। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है पर पिंकू चिड़िया फिर भी उसे मारती ही रहती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उस रात बहुत रोती है और रात को ही घर छोड़कर भाग जाती है और एक डाल पर सो जाती है। तभी सुबह होती है, तभी उसके पास एक कबूतरी आती है। अरे बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्यों सोई हुई हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। ता बेटा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, आज से मैं तुम्हें ही अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी, और उसे अपने घर पर ले जाती है। कबूतरी उसे उसकी माँ की तरह प्यार करती है। अब दोनों बहुत खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे।